है अब इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है, ऑन हो जाएगा और सिंपली से जाना है चैट रूम पर। देख सकते हो वर्क कर रहा है बिल्कुल ही, ठीक है, चैट रूम पर भी बिल्कुल वर्क कर रहा है। देखो मैं बाहर जा करके अंदर जा करके आगे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चैट रूम पे फिर से जाऊंगा और देख सकते हो गाइस ये माइक बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। आप लोग बोलते हो आपकी फोन बंद हो जाता, देख सकते हो यहाँ पर मैं चैट रूम पर बैठा हूँ और ये माइक फुल्ली वर्क कर रहा है आपके सामने और देख सकते हो मेरी वॉइस बराबर जा रही है यहाँ पर। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने कोई भी फोन में या कहीं पर भी सिस्टम लगाना चाहते हो। हेलो वेलकम बैक गाइस, तो कैसे हो, आई होप कि आप मस्त होंगे गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर एक और न्यू 1-to-1 का सिस्टम लेके आ चुका हूँ। एंड गाइस देखो इस माइक को आप लोगों को देखो किस तरीके से लेना है, कहाँ से मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो को, पूरा देखते रहना। देखो 1-to-1 करते हो सिर चैट या कोई भी एप्लीकेशन पे, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन पर फाइट करते हो आप लोग, तो गाइस ये माइक जरूरी है आपके लिए। देखो किस तरीके से वर्किंग करेगा सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वीडियो को देखते रहना एंड लास्ट तक बने रहना। तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले देखो माइक को कैसे लगाना है वो बता देता हूँ आप लोगों को। देखो गाइस मैं आप लोगों के लिए कितनी बार बोलूँ, आप लोगों के लिए एक ही बात बोलता आया हूँ और हमेशा बोलूँगा, आप लोगों को एम्पलीफायर का साउंड लेना पड़ेगा जब भी आप लोगों का माइक अच्छी तरीके से वर्क करेगा अभी अच्छी तरीके से, तभी तुम फाइट कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब भाई लोग यही है। आप लोग देखो एम्पलीफायर का सिस्टम लो, ये वाला, ये जो एम्पलीफायर है इसको लो आप, क्योंकि बेस्ट है ये काफ़ी, ठीक है, तगड़ा वर्क करता है हर एक फ़ोन पे, ठीक है। गाइस ये कैसे वर्क करेगा, देखो चाहे कोई सा भी फोन हो, कोई सा भी वर्जन हो, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, आप लोगों का माइक फुल्ली वर्किंग करेगा बिल्कुल इंस्टेंटली आप लोगों के फ़ोन में वर्किंग करना। बता दूंगा किस तरीके से वर्क करेगा सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो वो शेयर चैट हो, चाहे फोर फोन हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, सुगो, चाहे कोई भी, जो भी एप्लीकेशन है जिस पे वर्क करना चाहते हो जाएगा, चाहे फाइट करना चाहते हो फाइट करो दबा के, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस बिल्कुल नहीं दबेगी आप लोगों की, ठीक है। अब गाइस देखो लगाना कैसे माइक को ये बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन है एकेलाइजर, उसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। और आप लोग ना जो कि शेयर चैट पर लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं शेयर चैट एप्लीकेशन के एक क्लोन को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। अभी हम लोगों ने शेयर चैट के क्लोन को ऑन कर लिया, देन हम लोग शेयर चैट के क्लोन के अंदर आ ही चुके हैं। एंड अंदर आने के बाद आप लोगों को किस तरीके से ये माइक को लगाना है, किस तरीके से वर्किंग कराना है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखो गाइस आप लोगों को अब करना क्या है, सिंपली सा ऊपर की तरफ नीचे करते जाना है। जैसे कि आप लोगों का कोई चैट रूम है, चाहे आप लोग खुद का चैट रूम हो, चाहे कोई भी चैट रूम हो, तो उस चैट रूम पर आ जाना है ईजिली, ठीक है, कुछ इस टाइप से। देन हम लोग आ ही चुके हैं, ठीक है। तो गाइस देखो मैं चैट रूम पर आ ही चुका हूँ एंड देन चैट रूम पर देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर सीट भी ज्वाइनिंग कर लिया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मेरी सीट ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड देख सकते हो हमारी वॉइस भी बराबर यहाँ पर अभी जा रही है, ठीक है गाइस, देख सकते हो वॉइस भी जा रही है। और देखो किस तरीके से लगाना है सिस्टम को, अब वो सुन लो, ठीक है, देखो वॉइस जा रही है ना। अब देखो गाइस सिस्टम को लगाना कैसे है, शेयर चैट वालों के लिए ये तरीका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एक एम्पलीफायर का साउंड हो गया जो माइक है, ठीक है। आप लोगों को एक इलाइजर को यहाँ से इस तरीके से ऑन करना है, ठीक है, और ये नॉट रियली इस पर क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है, ओके सिक्योर श्योर। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और बैक चले जाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस इतना करना है आप लोगों को, यहाँ से बैक आ जाना है। देन बैक आने के बाद गाइस करना क्या है, सिंपली सा अब आप लोग समझ लीजिए, बैक आने के बाद आप लोगों को सिंपली सा एंड आप लोगों को जाना है अपने एम्पलीफायर साउंड पे, इस पर करना है। अरे हेलो हेलो हेलो, तो देख सकते हो गाइस एम्पलीफायर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है, एम्पलीफायर यहाँ पर लग चुका है।
अब आप लोगों को देखो को एम्पलीफायर साउंड जो है लग चुका है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है एंड आप लोगों का सिस्टम बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। अब आप लोगों को इतना करना है, देन आप लोगों को जाना है माइक पे, जो भी आप लोग माइक यूज करते हो वो लगेगा नहीं, ये वाला आप लोग हमसे माइक ले लीजिए, ठीक है। इसमें मैं पासवर्ड डाल के इसको अनलॉक कर देता हूँ, तो ठीक है गाइस, ये माइक खुल गया एंड आप लोगों के फोन के जिस तरीके से लगाना है, देखो ये पूरी सेटिंग हो ही रखी है, सारा सेटिंग है इसके अंदर, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपली जाना है जाना रूम पर, रूम पर जो वर्क हो रहा है बिल्कुल, ठीक है ठीक है, सेट रूम पर बिल्कुल वर्क हो रहा है। देखो मैं बाहर जाकर जाकर दिखा देता हूं तो ऊपर रूम को, ठीक है सेट रूम पर फिर जाऊंगा और देखो जो भाई बिल्कुल बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, आप लोग वो लोग अपने फोन फोन बंद जैसे ही यहां पर मैं सेट रूम पर बैठा हूं और ये ठीक है। अब जो ठीक है। अब हम लोग चलो कहते हैं टेलीग्राम पे, देन गाइस मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूं एंड टेलीग्राम पे जाता हूं मैं मेरे चैनल के अंदर अंदर, ठीक है खुद के चैनल जो उसके अंदर आ चुका हूं। तो ये मैंने सिस्टम डाला हुआ है अभी का, ठीक है। अब इसकी इसमें वॉइस कॉल भी डाल देता हूं, एक माइक लगा करके, अरे जिस किसी भाई को भी कोई रिस्पांस जरूर ना हो वो मुझे मैसेज लगा देगा मेरे बाहर से नंबर पर, या मुझे कोई मैसेज कर लो। देख सकते हो भाई, फाइनली यहाँ पर एक ऑडियो डाली और उस ऑडियो को सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने एक टेलीग्राम पे ऑडियो डाली थी, उस ऑडियो को मैं सुन लेता हूं, यहां से इसको कर देता हूं पेन तो ऑफ, ठीक है और हम ऑडियो को सुन लेते हैं। अरे जैसे भाई को सिस्टम परचेज कर लो वो मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या मुझे पर्सनली मैसेज कर लो। तो देख सकते हो गाइस किस तरीके से हमारी वॉइस यहां पर रही थी, ठीक है। आप लोगों को लाइव प्रूफ सुनाइए, सारा कुछ बताया है। देखो आप लोगों को अगर टेस्ट करना है तो मैसेज कर देना मुझे, इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइनिंग हो जाओ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल एंड बाय 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 बाय, मिलता हूं किसी नई वीडियो के अंदर, ये माइक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, थैंक यू लव यू ऑल सेटिंग्स।